क्या कर रही है? अरे मुझे लग रही है माँ जी। क्या हुआ? माँ जी आप ऐसे मुझ पर हाथ कैसे उठा सकती हैं? अभी तो मैंने सिर्फ हाथ उठाया है, अगर आइंदा तूने कोई ऐसी वैसी हरकत की ना तो उसी पंखे से लटका दूंगी जो तूने रुचिता और निहार पर गिराया। माँ जी आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? फीता है वो मेरा, जो तेरी बहू से प्यार करता है और तुझे अपनी बहू फूटी आंख नहीं भाती। हाँ तो नहीं भाती है वो मुझे फूटी आंख भी, तो अगर मुझे कुछ करना होगा तो मैं उसके साथ करूंगी ना, निहार के साथ क्यों करूंगी? मैं निहार की जिंदगी खतरे में क्यों डालूंगी माँ जी? माँ जी आप चाहे मेरी बात पर यकीन करें या ना करें, देखिए घर में ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये सब मैं नहीं कर रही। मेरे निहार की कसम। पूनम निहार की झूठी कसम तो नहीं खाएगी? फिर गोयल निवास का ये नया दुश्मन कौन है? ये ग्लास में काले कहां से आए? काला टूथपेस्ट, ये तो गार्लिक है। मेरे टूथपेस्ट में गार्लिक किसने मिलाया? काला लिपस्टिक, ये मेरी पूजा की पोटली काली कैसे हो गई? कैसे हो गई काली? उस कालिक के पीछे कोई मतलब था क्या? अच्छा आपने तो मुझे दिखाई दिया था। तुम मुझसे डर गए? आपसे नहीं, कि जो आपके हाथ में बंदूक है सीधा आपने मेरे ऊपर तान दिया। वो ये तो बबल वाली पिस्टल है, प्रियो के लिए लेकर आया था, उसे देने ही वाला था, बट फिर मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ थोड़ी मस्ती कर लूं। निहार! पापा जी। पापा, निहार अब चलो वरना पापा यहीं पे आ जाएंगे। हाँ। और फिर से मेरा फुल पोपट हो जाएगा। तुम तो चली गई थी, मैं फंस गया था। निहार जी एक सेकेंड। हाँ ठीक है चलो।
बेटा मेरी इंस्पेक्टर से बात हुई सुबह में, वो कह रहे हैं कि मीरा और अमृता का बाहर के लोगों से कोई कांटेक्ट ही नहीं है। तो फिर इन हरकतों के पीछे कौन हो सकता है पापा? जब से मेरे बच्चे एक हुए ना, इन पर कोई ना कोई बुरी नजर डाल ही रहा है। भगवान तुम दोनों को बुरी नजर से बचाए। तुम दोनों पर बुरी नजर डालने वाले का तो मुंह काला हो। हमें उस मटके को एक बार अच्छे से देख लेना चाहिए, क्या पता उसमें कोई सबूत मिल जाए। हाँ मैं लेके आती हूँ। माँ पापा जी दादी जी, आप लोगों को ये मटका देख के कुछ याद आ रहा है क्या? कोई घटना या कोई हादसा जिससे इस मटके का कोई संबंध हो? नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है कि इस मटके से कुछ भी पता नहीं चलेगा। मेरी मानिए तो कोई चोरों का नया गैंग आया है और चोरी करने के नए तरीके हैं ये। इस मटके में एक चीज अजीब है, ये काला दाग। और आज सुबह मेरे पानी के ग्लास में भी मुझे कालिक दिखी थी। क्या? मेरी लिपस्टिक भी काली थी। अरे हाँ, जब सुबह मैं ब्रश करने के लिए बाथरूम में गई तो मेरे टूथपेस्ट में भी कालिक थी। फिर तो शायद जो भी ये सब कर रहा है उसका उसका संबंध इस काले दाग से है। आप लोगों को कोई ऐसा इंसान याद है जिसका जिसका काले दाग से कोई रिश्ता हो? कहीं ये वो तो नहीं? माँ आपके हिसाब से इस काले दाग का कोई मतलब है? नहीं पापा। दादी जी आप अब ये बकवास बंद करो रुचिता। ये मटका धब्बा ये सब बेतु की बातें। अरे अमृता का सच जान गई हो तो तुम अपने आप को बहुत बड़ी जासूस समझने लगी हो, जो हर बात में जो है सवाल ढूंढती हो तुम। तुम इस नौटंकी को बंद करो और पुलिस को फोन करके उनकी मदद लो। रचिता को डांट पड़ते देख कलेजे में ठंडक तो मिली, पर माझी अचानक इस पर भड़की क्यों? आप लोगों को कोई ऐसा इंसान याद है जिसका जिसका काले दाग से कोई रिश्ता हो? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जो मैं सोच रही हूँ वो नहीं हो सकता है। अब सच बताने का समय आ गया है। कौन है यहाँ? कौन है? ये झूठ है, ये झूठ है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। भिखारी दादी जी को इतना परेशान कर दिया। सही कह रही थी वो, परिवार की सुरक्षा का मामला है, हमें पुलिस की मदद ले लेनी चाहिए। दादी जी की आवाज दब नहीं, नहीं।
दादी, दादी जी क्या हुआ? ये मटका, इसका मतलब वो इंसान यही आसपास है। पर कहाँ? हे भगवान, कहीं रुचिता ये पढ़ ना ले। दादी जी आप बैठिए बैठिए। आप दोनों ठीक है ना? जी नहीं आरजी, पर वो इंसान फिर से आया था। यहीं कहीं होगा भाई, चले चल के ढूंढते हैं। हाँ, चलो। दादी जी आप टेंशन मत लीजिए, निहार जी और भैया गए हैं ना उसे ढूंढने। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इस मटके का राज पता करना ही होगा। दादी जी कहाँ चले गए? दादी जी इतना घबरा क्यों गई थी? कहीं मटकों से उनका कोई संबंध तो नहीं? हाँ भैया, रुको रुको रुको, तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। अम्मा जी आप अपना काम कर लीजिए, तब तक मैं गाड़ी में गैस जला के आता हूँ। ठीक है। ये जमीन खाली क्यों पड़ी? यहाँ तो एक घर था। भाई साहब जरा सुनिए, भाई साहब यहाँ पर एक घर था, कहाँ गया? बाजे यहाँ तो सालों से कुछ नहीं है, कब से बंजर पड़ी है जमीन। क्या? ठीक है भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ घर तो क्या, एक कमरा भी नहीं है। कहीं 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 वो मेरा व्यायाम तो नहीं, या फिर सच में मेरा अतीत वापस लौटाया है। ऐसे कैसे बिना बताए कहीं चली गई माँ जी, फोन भी नहीं उठा रही अपना। हो सकता है कि घर में जो घटनाएं हो रही हैं उसकी वजह से परेशान हो गई होंगी, थोड़ा टहलने गई होंगी। उस इंसान की वजह से मेरा पूरा परिवार परेशान है, उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। निहार भैया शांत, कहीं दादी जी किसी खतरे में तो नहीं है? कहीं वो मटके वाला इंसान दादी जी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता? तुम जो भी हो, जितना भी डरा लो मुझे, वो सच मेरी चिता में मेरे साथ ही जलेगा, कभी दुनिया के सामने नहीं आएगा, कभी नहीं। मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये मेरे पीछे चल रहा है? रुको रुको, क्या भैया तुमने कितनी देर लगा दी, कब से इंतजार कर रही हूं मैं, अब जल्दी चलो। मुझे लगता है हमें और देर नहीं करनी चाहिए, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ। निहार
तुम्हारे पास माँ की फोटो है? हाँ पापा, मेरे पास मेरे फोन में फोटो है, आप चलिए। चलो चलो बेटा। दादी जी, दादी जी, माँ जी, कहाँ चली गई थी आप? हम सब कितने परेशान हो गए थे, फोन नहीं उठा रही थी अपना। वो माँ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, इसलिए मैं मंदिर चली गई थी। आप सब लोगों को बिना बताए चली गई, सॉरी इसके लिए। कोई बात नहीं माँ, आप जाके आराम कीजिए। पूनम जी, आप थोड़ी देर माँ के साथ रहिए। जी आइए माँ जी। ना माथे पर टीका, ना हाथ में प्रसाद, ना आरती की थाली। दादी सच में मंदिर ही गई थी या कहीं और? ये क्या कर रहे हैं आप? इसको जलाने के लिए किसने कहा आपसे? जी दादी जी ने कहा था। जब इस मटके को कच्चे में फेंक दिया गया था तो दादी जी ने इसे जलाने के लिए क्यों कहा? कुछ छुपा रही है क्या वो हमसे? मैं जो सोच रही हूँ वो हो तो नहीं सकता, लेकिन लेकिन फिर भी सच का पता तो करना पड़ेगा। मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस काले दाग का दादी जी से कोई संबंध है? कैसे कहूंगी मैं बिहार से, क्यों उसकी एक जुड़वा बहन भी है। फोन तो नहीं लग रहा। मतलब होगा इस काले दाग का? क्या दादी जी जानती है इस मटके वाली को?
25 सालों से ये राज अपने सीने में दबा कर बैठी हूं मैं, अब ये राज बाहर नहीं आ सकता, वो लौट कर नहीं आ सकती। वापस आ गई तो सब खत्म हो जाएगा। कैसे कहूंगी मैं निहार से कि उसकी एक जुड़वा बहन भी है। ये क्या राज हो सकते हैं? नहीं कह पाऊंगी मैं नरेश और पूनम से कि निहार के साथ उनकी एक बेटी ने भी जन्म लिया था। नहीं कह पाऊंगी। गोयल परिवार के सिर्फ दो बेटे नहीं बल्कि एक बेटी भी है। ये क्या राज हो सकते हैं? ये आवाज तो पीछे के दरवाजे से आ रही है। देखो तुम यहां से भाग के नहीं जा सकते। पापा जी रुको। ये आवाज तो पीछे के दरवाजे से आ रही है। देखो तुम यहां से भाग के नहीं जा सकते। पापा जी रुको।